हेलो एवरी वन एंड वेरी वॉम वेलकम टू शिक्षा सो गाइज दिस इज सेशन नंबर ट्वेल्व फॉर आंसर राइटिंग एंड आंसर्स आप सब लोग टेलीग्राम के ऊपर भेज रहे हो अब खुशी हो रही है मुझे एंड जितने ज़्यादा हो सके आंसर्स लिखें चेक होने में कई बार थोड़ा डिले हो सकता है लेकिन uh, आप भेजते रहें आंसर्स वो चेक हो जाएंगे चाहे थोड़ा डिले हो आप भेजते रहो और हर आंसर के अंदर जो रिव्यू आपको मिलता है उसको जरूर इम्प्लीमेंट uh, करें फॉर इम्प्रूवमेंट अगर रिव्यू को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली फिर कोई फायदा नहीं होगा ठीक है उसको आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा उसको आपको आंसर के अंदर अपने यूज uh, करना पड़ेगा तभी आपके आंसर के अंदर फर्दर इम्प्रूवमेंट जो है वो आएंगी एंड डू नॉट वरी आंसर्स जितने ज़्यादा हो सकेंगे उतने ज़्यादा चेक किए जाएंगे उसके अंदर आप बिल्कुल भी शक न रखें जो क्वेश्चंस मैं देता हूं उसके अलावा अगर आप कोई क्वेश्चन खुद से लिखते हैं या कोई ऐसे खुद से लिखते हैं तो वो भी आप आ, शेयर कर सकते हैं वहां पर उसको भी चेक करके रिव्यू कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है कई बच्चे करते हैं आंसर्स भेजते हैं किसी बच्चे को ग्रुप में भेजने में हिचक होती है अगर वैसे होनी नहीं चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली आपके दोस्त भी अगर आपका आंसर देख करके कुछ कमेंट करते हैं उस पर आपको कोई सजेशन देते हैं तो आपको उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए एंड बाकी बच्चों के भी जब रिव्यूज मैं वहाँ पर शेयर करता हूँ टेलीग्राम पे तो उसको भी देखा करो उससे भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा एक ओपन प्लेटफॉर्म के ऊपर मिलजुल करके काम करने का ये फायदा होता है ठीक है नॉन वीडियो कोर्स के लिए आप टू थाउजेंड प्लस नॉन वीडियो कोर्स है बेटा बहुत बढ़िया कोर्स है ये अगर आप सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी तो पेपर देना है ना नबार्ड में और अगर आप आई बी पी एस एफ ओ या नबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट वगैरह का पेपर भर रहे हो एफ सी आई वगैरह का पेपर भर रहे हो तो भी बहुत इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज वहाँ पर हैं आपके लिए ओके okay? एग्रीकल्चर से रिलेटेड रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड तो so, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए एंड काफ़ी लो प्राइस के ऊपर आपको एक कोर्स जो है वो मिलता है क्वेश्चन जो इस लेक्चर में डिस्कस करना है जो मैंने आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर किया था कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू इकोनॉमिक ग्रोथ सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को समझो ये 600 वर्ड के अंदर लिखने वाला क्वेश्चन है ठीक है इसको आप 400-500 वर्ड्स के अंदर भी खत्म कर सकते हो इजीली कई क्वेश्चन एग्जामिनर भी ऐसे देता है जो छे वर्ड का उसने दिया होगा वर्ड लिमिट लेकिन उसके अंदर कई बार क्या होता है कि चार वर्ड के अंदर आप एक अच्छा आंसर लिख सकते हो छ वर्ड वाले को तो बच्चे ना कई बार उसको बहुत ज्यादा जबरदस्ती खींचने की कोशिश करते हैं तो वो भी चीजें समझने वाली होती है एग्जामिनर आपको वहां पर भी चेक कर रहा होता है कि ऐसा तो नहीं है कि ये सिर्फ 600 वर्ड लिखने के लालच में है ठीक है क्या इसके पास एक प्रॉपर नॉलेज है उस क्वेश्चन की अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना ये कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा है कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे एनकरेज करता है अब इसके अंदर मेरे पास जो कुछ आंसर आए उसके अंदर देखो मेनली क्या हाईलाइट हो रहा है कि इंडिया का एग्रीकल्चर आप स्टेटस हाईलाइट कर दे रहे हो एग्रीकल्चर स्टेटस को आप हाईलाइट करो आप उसको इंट्रोडक्शन में हाईलाइट करो आप उसको कंक्लूजन के अंदर हाईलाइट करो लेकिन पूरा आंसर आपका एग्रीकल्चर स्टेटस पे नहीं होना चाहिए एग्रीकल्चर स्टेटस में कैसे आ गया कि हम इतना फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं इतना वेजिटेबल प्रोड्यूस करते हैं इतना मिल्क प्रोड्यूस करते हैं इतना हम ये प्रोड्यूस करते हैं ठीक है ये हमारे एग्रीकल्चर की कमियां हैं इन एग्रीकल्चर की कमियों को हम कैसे दूर कर सकते हैं ये तो क्वेश्चन में है ही नहीं क्वेश्चन तो ये पूछ रहा है कि एग्रीकल्चर इकोनॉमी के लिए कैसे हेल्पफुल रहता है आपने ये बता दिया कि ठीक है हम इतना सब प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें वो आप किस तरीके से वो प्रोडक्शन यूजफुल है ठीक है वो एक क्वेश्चन है किस तरीके से एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन यूजफुल है वो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हाँ वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है कि हाँ वो एक्सपोर्ट्स के अंदर हेल्प करता है वो फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने में हेल्प करता है वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है इंडस्ट्री को तो मेन क्वेश्चन तो आपका ये है मेन क्वेश्चन आपका एग्रीकल्चर का वो इंडिया का स्टेटस नहीं जानना चाहता कि हम इतना प्रोड्यूस करते हैं इतनी हमारी पॉपुलेशन डिपेंडेंट है ठीक है हमारी पॉपुलेशन डिपेंडेंट है वो आपने इंट्रोडक्शन में या कंक्लूजन के अंदर पॉइंट लिख दोगे लेकिन पूरे आंसर के अंदर ही वो रिफ्लेक्शन नहीं होनी चाहिए ना ठीक है जी तो क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन आप जैसे मैंने आपको बताया कि आप इस तरीके के डाटा से कर सकते हो कि एग्रीकल्चर सेक्टर की इंपॉर्टेंस इंडिया जैसी कंट्री के अंदर आप इकोनॉमिक सर्वे से ले सकते हो अच्छा एक चीज मैं और मैं कई आंसर्स में ये नोट कर चुका हूं डाटा जब आप कोट करते हो सबसे पहली बात सिर्फ और सिर्फ डाटा लिखने के लिए डाटा मत लिखो वो डाटा सही होना चाहिए अगर आपको सही डाटा नहीं मालूम गलत डाटा पेपर के अंदर मत लिख करके आना डाटा लिखना अवॉइड कर देना पर डाटा गलत नहीं होना चाहिए ठीक है सही आपको पता है तो लिखो दूसरी चीज अगर आपको डाटा पता है आप उसका सोर्स लिखने की जरूर कोशिश करना कि किस सोर्स से वो डाटा आपने पिकअप किया है ठीक है ऑफिशियल सोर्स आपका होना चाहिए वो वो आपके डाटा को एक ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करता है ठीक है जी तो इस तरीके से आप आंसर शुरू कर सकते हो कि एग्रीकल्चर सेक्टर तो एक इकोनॉमिक सर्वे ने ही हाईलाइट कर दिया कि 18.8 पॉइंट एट परसेंट तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन एग्रीकल्चर सेक्टर से आती है और दो हजार बीस इक्कीस में 3.1 3.6 से ही ये सेक्टर ग्रो किया था और 21 बाईस में 3.9 परसेंट से एक लौता ऐसा सेक्टर रहा है जो कोविड के टाइम पर भी पॉजिटिव ग्रोथ रेट में था तो इस तरह का डाटा आपने इंट्रोडक्शन में डाल दिया अच्छा एक चीज मैं और बता दूं आंसर राइटिंग के अंदर एक फॉर्मूला याद कर लो आंसर राइटिंग का एक फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं टेन रेशियो रेशियो टेन फॉर्मूला टेन रेशियो एट्टी रेशियो टेन फॉर्मूला क्या कहता है आपकी जो भी वर्ड लिमिट है फॉर एग्जाम्पल आपका 600 वर्ड का अगर आप आंसर लिख रहे हो तो हम क्या कहते हैं कि 600 वर्ड के आंसर में 10 परसेंट वर्ड आप इंट्रो को दो 80 परसेंट वर्ड आप बॉडी को दो और फाइनली 10 परसेंट वर्ड आप कंक्लूजन को दो यानी कि अगर आप 600 वर्ड का एक आंसर लिख रहे हो तो मैं क्या बोलता हूं कि आप सिक्सटी वर्ड्स के अंदर अंदर अपनी इंट्रोडक्शन लिखो 60 वर्ड्स के अंदर अंदर आपकी जो है वो कंक्लूजन हो जानी चाहिए और बाकी के बचे हुए 480 वर्ड्स जो हैं इसका मेजरली फोकस बॉडी के ऊपर होना चाहिए इसको आप 10 से 15 परसेंट भी कर सकते हो 10 इसको 10 से 15 कर सकते हो इंट्रो को कंक्लूजन को 10 से 15 कर सकते हो तो आपका बॉडी जो है वो ऑटोमेटिकली 70 टू 80 हो जाएगा तो जनरली ये परसेंटेज जो है वो आपको फॉलो करना होता है अपनी वर्ड लिमिट के अंदर ठीक है आंसर में ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन के अंदर कहानियां सी लिख दी मनोहर कंक्लूजन के अंदर भी आपने बातें लिख दी पर बॉडी के अंदर जो है वो आपका मटेरियल नहीं है वो चीज मत करें ठीक है उसके बाद जी इसके अंदर एक देर इज अ रेफरेंस कॉल्ड ऑफ अ पर्सन कॉल्ड क्यूजनेट जो चार पॉसिबल टाइप ऑफ कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर जो ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काम करता है उसमें आपका प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन आ जाता है जैसे कि फूड और रॉ मटेरियल मार्केट कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाता है मार्केट प्रोवाइड करता है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर गुड्स के नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं क्योंकि मेजर पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व है ठीक है तो जब वो पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर वाली पैसा कमाएगी तो वो पैसा कमा करके टीवी खरीदे खरीदेगी फ्रिज खरीदेगी एसी खरीदेगी कपड़े खरीदेगी तो एक तरीके से नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर को भी फायदा होगा ना क्योंकि मेजर पॉपुलेशन किस पर डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे तो जब वो एग्रीकल्चर से पैसा कमाएंगे तो वो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर वाली आइटम्स जाकर के परचेज करेंगे तो वहां पर इंक्रीज होगा फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूशन अवेलेबल लेबर एंड कैपिटल टू द नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर ठीक है जी आपका अगर एग्रीकल्चर समृद्ध होगा तो अभी हम क्या कहते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ओवर पॉपुलेशन डिपेंडेंट है डिस्गइज अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है जहां पर चार लोगों का काम है वहां पर छह लोग काम कर रहे हैं तो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर प्रॉफिटेबल होगा तो आप उस उन लोगों को एक प्रोडक्टिव सेक्टर के अंदर लेकर के जाओगे जिससे नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ होगी फॉरन एक्सचेंज अर्निंग्स के अंदर भी ये हेल्प करता है कॉन्ट्रीब्यूट करता है आपके एक्सपोर्ट्स के थ्रू अब इन पॉइंट्स को ये चार तो क्यूजनेट साहब ने ब्रॉडली दे दिए इनको हम फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हैं ये चार आप इंट्रोडक्शन में डाल दो फर्दर आप डाल सकते हो कि मोर ओवर वी कैन डिस्कस द बेनिफिट्स और द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू द फॉलोइंग सबसे पहले सप्लाई ऑफ बेसिक वेज गुड्स देखो जी खाना सबको चाहिए फूड सबको चाहिए ये क्या है एक बेसिक गुड है कोई भी आदमी अगर एक दिहाड़ी मजदूर अगर दिहाड़ी लगा रहा है एक डेली वेज अर्नर अगर काम कर रहा है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि कि उसको एक दो टाइम की रोटी मिल जाए तो इसको हम क्या हम क्या क्या बोलते बोलते हैं हैं खाने को भाई बेसिक वेज गुड है जिंदा रहने के लिए और अगर ये नहीं मिल रहा तो आपकी इकोनॉमी के अंदर इंबैलेंस क्रिएट हो जाएगा और इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपकी नहीं हो पाएगी तो इसीलिए आपको एक एडिक्वेट सप्लाई एडिक्वेट डोमेस्टिक सप्लाई जो है वो मेनटेन करनी पड़ेगी अदरवाइज आपके कंट्री के अंदर जो बेसिक वेज है वो आप नहीं पे कर पाओगे एंड अल्टीमेटली उससे आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगी ठीक है और अगर डोमेस्टिक सप्लाई नहीं है तो एक्सपोर्ट तो क्या ही होगा अगर आपकी डोमेस्टिक सप्लाई नहीं पूरी हो रही दूसरा पॉइंट आ जाता है फूड स्कैरसिटी एंड जनरल प्राइस लेवल देखो जी नाउ वन ऑफ द मेन रीजन बाय एग्रीगेट डिमांड फॉर फूड प्रोडक्ट्स इज राइजिंग इन डेवलपिंग कंट्रीज इज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ठीक है क्यों खाने की डिमांड भी बढ़ रही है फूड की डिमांड भी बढ़ रही है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है अराउंड ढाई परसेंट पर एनम से डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर साथ ही साथ पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है लोगों की ठीक है तो उससे उनकी परचेजिंग पावर बढ़ रही है एक तो पॉपुलेशन बढ़ रही है इनकम बढ़ रही है इनकम के साथ साथ उनकी परचेजिंग पावर बढ़ रही है तो जब किसी की परचेजिंग पावर बढ़ेगी तब वो डिमांड ज्यादा करेगा इनकम इलास्टिसिटी जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है तो इनकम इलास्टिसिटी राइज करेगी क्योंकि आपके पास हाथ में पैसा ज्यादा है ना आपके हाथ में जब ज्यादा पैसा होता है तो आप एक पिज्जा की जगह दो पिज्जा खाते हो ठीक है जी तो फूड आइटम्स का प्राइस बढ़ेगा ठीक है लेकिन अगर प्रोडक्शन नहीं बढ़ी देन इट विल बी अ प्रॉब्लम तो उससे क्या होगा फूड प्राइसेस में राइज होता जाएगा क्योंकि डिमांड के हिसाब से आपकी प्रोडक्शन नहीं बढ़ रही लेकिन डिमांड बढ़ रही है और लोगों के हाथ में पैसा भी बढ़ रहा है ठीक है जी तो उससे क्या होगा अल्टीमेटली अब हाइयर वेजेस हो गई हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर तो उससे कॉस्ट एस्केलेशन हो रहा है इंडस्ट्री के अंदर भी ठीक है क्योंकि अब फॉर एग्जाम्पल कोई फ्रिज बनाने वाली कंपनी है अगर वो लोगों को हायर कर रही है और हायर करने के लिए उसको ज्यादा सैलरीज पे करनी पड़ रही है तो डेफिनेटली उसको भी अपना फ्रिज महंगा करना पड़ेगा उसको भी तो अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से अपना प्रॉफिट निकालना पड़ेगा ना तो इससे क्या होगा ओवरऑल प्राइस इंक्रीज होता जाएगा लेकिन अगर आप एक स्टेबल फूड सप्लाई मेंटेन करके रखोगे कंट्री के अंदर तो स्टेबल फूड सप्लाई से क्या होगा अब इनकम फैक्ट्रियों में या इंडस्ट्री में जो मालिक होते हैं उनको क्यों पैसा बढ़ाना पड़ता है क्यों वेजेस बढ़ानी पड़ती हैं वेजेस बढ़ाने का रीजन ये होता है इन्फ्लेशन अब अगर इन्फ्लेशन आपके कंट्रोल में है क्योंकि आपका फूड सप्लाई जो है वो सफिशियंट है तो उससे क्या होगा उनको बहुत ज्यादा इनकम इंक्रीज नहीं करनी पड़ेगी जिससे आपके नॉन एग्रीकल्चर के जो आइटम्स हैं उनका भी प्राइस कंट्रोल में रहेगा उनका भी प्राइस बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा उसके बाद फूड स्क्योर सिटी एंड बीओपी अगर आपके देश के अंदर फूड स्क्योर सिटी है तो उससे क्या होगा उससे आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा खाना जो हमारी प्रॉब्लम नाइनटीन सिक्सटीज में हो गई थी जिसके बाद हम ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर के आए थे तो वो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा ठीक है और अब जब आपके पास पैसा है अब देखो एक इंसान के पास पैसा है जेब में उसके पास उसको भूख भी लगी है उसके पास दो ऑप्शन है या तो वो खाना खरीद ले या वो कुछ इन्वेस्टमेंट कर दे तो जाहिर सी बात है भूखा आदमी क्या करेगा वो खाना खरीदेगा ठीक है तो यही एक देश के अंदर होगा अगर उसका एग्रीकल्चर सप्लाई सफिशियंट नहीं है तो डेफिनेटली वो बाकी की जो प्रोडक्टिव चीजें हैं जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उसके ऊपर तो काम ही नहीं करेगा कैपिटल गुड्स के ऊपर तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेगा वो तो सारा जो उसके पास पैसा है वो तो खाना खरीदने में लगा देगा तो उससे आपके देश की ग्रोथ पोटेंशियल जो है वो रुक जाती है इसीलिए भी एग्रीकल्चर जो है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है फूड स्केयरसिटी एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अब देखो इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं वो स्टार्टिंग में एक कंसेप्ट होता था कि फूड एक कंजम्पशन गुड है ठीक है जो बेसिकली लोग कंज्यूम करते हैं लेकिन अब कंसेप्ट uh, जो है वो चेंज हो गया है अब इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं कि जो फूड यूटिलाइजेशन है ना उसको एक इन्वेस्टमेंट की तरह लो वो सिर्फ एक कंजम्पशन गुड नहीं है दैट शुड बी अ इन्वेस्टमेंट क्योंकि फूड की जो क्वालिटी है या एडिक्वेट जो फूड है वो एक क्वालिटी लेबर फोर्स के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि खाना होगा तभी काम चलेगा अगर प्रॉपर खाना नहीं है तो उससे न्यूट्रिशन हो जाएगी और उससे आपका ह्यूमन जो कैपिटल है वो वीक हो जाएगा एबसेंटिज्म बढ़ जाएगा इंडस्ट्री में छुट्टी ज्यादा होगी प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो जाएगी ठीक है और यही एक डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर का कारण है कि यहाँ पर जो लेबर फोर्स uh, uh, में लोग काम कर रहे हैं जो वर्किंग पॉपुलेशन है दे आर नॉट हैविंग सफिशियंट कैलोरीज सफिशियंट प्रोटीन और इसी से हमारे जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं तो वो तो कंप्लीटली डिपेंडेंट होगी अब टेक्सटाइल है टेक्सटाइल इंडस्ट्री किसके ऊपर डिपेंडेंट है कॉटन के ऊपर डिपेंडेंट है।, है ना शुगर इंडस्ट्री किसके ऊपर डिपेंडेंट है शुगर केन के ऊपर डिपेंडेंट है सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है ठीक है आप अपना फूड सप्लाई करें एंड डेफिनेटली यू कैन एक्सचेंज फॉरेन यू कैन अर्न फॉरेन एक्सचेंज और आप उस फॉरेन एक्सचेंज को यूज करोगे मशीनरी टेक्नोलॉजी और बाकी के इनपुट्स को इंपोर्ट करने के लिए देश में ठीक है जिससे आपके देश के अंदर फर्दर एक uh, जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगी और राइट सो डेफिनेटली एग्रीकल्चर आपको फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने में भी काफी हेल्प करेगा ओके okay. उसके बाद मार्केट क्रिएट करता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए जब आपका एग्रीकल्चर अच्छा होगा मैंने आपको बताया कि फार्मर की जेब में अगर पैसा होगा तो वो नॉन एग्रीकल्चरल आइटम्स भी जाकर के खरीदेगा टीवी कपड़ा मोबाइल फोन ठीक है तो उन सब इंडस्ट्रीज के अंदर भी बूस्ट आएगा उन सब के लिए भी डिमांड क्रिएट होगी अब जैसे इंडस्ट्री एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर भी इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंडेंट है ठीक है जी अब जैसे जो मॉडर्न इनपुट है फर्टिलाइजर हो गया पेस्टिसाइड हो गया वाटर आ गया ये कौन अवेलेबल कराता है इंडस्ट्री अवेलेबल कराती है तो अल्टीमेटली एग्रीकल्चर क्योंकि इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंडेंट है तो उसमें भी तो हम यह बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर रिजल्ट कर रहा है, है ना क्योंकि ये फर्टिलाइजर इंडस्ट्री क्यों बनेगी जब एग्रीकल्चर डिमांड करेगा अगर एग्रीकल्चर सेक्टर से डिमांड ही नहीं आएगी तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री कैसे बनेगी मशीनरी रिक्वायर्ड ऑन द फार्म ट्रैक्टर है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग इज अ सिग्निफिकेंट ब्रांच ऑफ इंडस्ट्री जो अलग अलग इंजीनियरिंग टेक्निक्स प्लॉज चेसल जो सब बनते हैं वो एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग का पार्ट आ जाते हैं ओके okay, uh, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला जो सेक्शन है उसको एग्रीकल्चर काफी बूस्ट प्रोवाइड करता है जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद से एच वाई बी सीड्स आ गए उसके बाद आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आ गए तो वो भी एक रिसर्च वाले एलिमेंट को भी बूस्ट एग्रीकल्चर जो है वो प्रोवाइड करता है ओके okay, उसके अलावा इंडस्ट्री किस तरीके से एग्रीकल्चर को हेल्प करती है इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए एग्रीकल्चरल प्रोग्रेस के लिए चाहे ट्रांसपोर्टेशन है कम्युनिकेशन है ट्रेड एंड कॉमर्स है मार्केटिंग है तो एग्रीकल्चर उसमें में इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंडेंट है एंड ओवरऑल क्योंकि ये दोनों चीजें एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर वो काम करेगा फाइनली आप इसके अंदर कंक्लूड कर सकते हो कि हमारे पास एम्पल जस्टिफिकेशन है कि म्यूचुअल कॉम्प्लीमेंट्री नेचर है जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री है या इकोनॉमिक डेवलपमेंट है कंट्री का वो कैसे म्यूचुअली एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है और कैसे ये एक दूसरे के लिए डिमांड एंड सप्लाई क्रिएट करते हैं थ्रू परचेज एंड सेल ऑफ वेरियस प्रोडक्ट एंड फैक्टर्स प्रोवाइड ईच अदर ठीक है तो इस तरीके से आप अपने आंसर को एंड कर सकते हो ये जो क्वेश्चन था ना ये क्वेश्चन बहुत ही एक जनरल क्वेश्चन था ये क्वेश्चन आपसे इंडिया के एग्रीकल्चर मैं रिपीट करूंगा ये क्वेश्चन आपसे इंडिया के एग्रीकल्चर स्टेटस के बारे में बात नहीं कर रहा है ठीक है इसके अंदर बहुत ज्यादा आपको करंट अफेयर घुसाने की जरूरत भी नहीं है स्कीमे घुसाने की बहुत ज्यादा जरूरत है ही नहीं इस आंसर के अंदर ये एक जनरलाइज क्वेश्चन था ठीक है और इसको हमने जनरलाइज फॉर्म में अटेम्प्ट करना था देखो आंसर राइटिंग के अंदर एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन ठीक है आधी गेम तो इंसान तब जीत जाता है जब वो क्वेश्चन को पूरे तरीके से समझ गया कि वो क्वेश्चन की डिमांड क्या है और बहुत कम बच्चे समझ पाते हैं तो अल्टीमेटली आपको प्रैक्टिस ये भी करनी है कि, आप को समझ कि पेपर में तो आपको बहुत हाँ क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है वहां तो आपके पास हार्डली थर्टी फोर्टी सेकेंड्स है टू ग्रैप द क्वेश्चन एंड टू अंडरस्टैंड इट ओके ऑल गाइस सो लेक्चर आई होप कुछ मजा आया होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा एंड प्लीज इफ पॉसिबल सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट ऑल्सो विल सी यू द नेक्स्ट क्लास टिल देन टेक केयर एंड बाय अच्छा नेक्स्ट क्लास के अंदर मैंने जो क्वेश्चन डिस्कस करना राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ग्रीन रेवोल्यूशन था टेलीग्राम के ऊपर तो दे दिया था यहां पर भी बता देता हूं नेक्स्ट लेक्चर जो अपलोड होगा ओके फोर हंड्रेड वर्ड्स का ये क्वेश्चन था एंड टेन मार्क्स चलिए बाय